हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्योंकि ये ब्लॉग शाम में जा रहा है तो इसलिए मैंने गुड इवनिंग किया है। वैसे मैं मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, तो अभी मॉर्निंग के बचे हैं 10:30 और मैं ना यहाँ पे खाना वाना बना के और यहाँ पे नहा के आ गई हूँ। और मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, मैं अभी फैलाए नहीं है। और आज का मौसम देखो, खैर अच्छा है क्योंकि इधर उधर पीछे 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो कल से धूप किया है तो अच्छा लग रहा है। और वैसे तो आज का ब्लॉग टीपी देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है, तो चलो उस टॉपिक पे तो बात होगी ही। पहले मैं जो मेरा डेली का रूटीन है वो मैं बता दूँ, तो मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ और मैं यहाँ पे कपड़े फैला रही हूँ और मैंने खाना भी बना लिया है। और बाबू तो अभी ऊपर है क्योंकि मेरे नहाने के टाइम में बाबू ऊपर में रहता है। तो चलो, यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है तो बस अब कुछ नहीं करना है। मैंने बाबू को भी नहा दिया है, बस कपड़े फैला के उसके बाद फिर मैं बाबू को ले आऊँगी रूम। तो चलो, आज मैं अपनी शादी के बारे में बताने वाली हूँ। तो मैं अपनी शादी के बारे में बताने से पहले तो मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि प्लीज़ आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और जो पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। एक मेरा भी सपना है यार कि मेरी भी एक बड़ी सी यूट्यूब फैमिली हो, तो उस सपने को साकार मैं अकेले नहीं कर सकती आप लोगों के प्यार और विश्वास के बिना। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए और मतलब कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी मेरी एक यूट्यूब की बड़ी फैमिली हो, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। तो चलिए, आज मैं बताती हूँ कि मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज हुई है। तो जी नहीं, मेरी शादी ऑफकोर्स अरेंज मैरिज हुई है और मैंने कोई लव मैरिज नहीं किया है। हाँ, बहुतों को लगता है हमारी जोड़ी को देख के, टचुर्ड हमारी जोड़ी को देख के लगता है कि अरे ये तो लव मैरिज किया है, लेकिन नहीं। क्योंकि आजकल होता है ना अरेंज मैरिज में, मतलब बहुत का थोड़ा सा एज डिफरेंस, एज गैप लगता है, तो इसलिए उस हिसाब से हम लोगों की जोड़ी को देख के मतलब बहुत बोलते हैं कि लव मैरिज है क्या, लेकिन नहीं, हम लोगों की अरेंज मैरिज ही हुई है। और मतलब कि फैमिली ने मतलब देखा, जाम हर चीज़ हर तरीके से देखा समझा, उसके बाद शादी फिक्स हुई। और ये भी हम लोगों की फैमिली में कि मतलब फैमिली हर चीज़ से पसंद करने के बाद एक बार बच्चे से भी पूछते हैं कि बेटा मुझे तो सही लगा, तुम लोगों को तुमको सही लगा क्या? तो फिर उसी तरह मेरे फैमिली भी मेरे से पूछे कि बेटा मुझे तो सही लगा, तुम्हें सही लगा क्या? तो मैंने बोला कि पापा आप लोगों को सही लग रहा है तो मेरे लिए सही ही है, क्योंकि आप लोग तो कभी ऐसा मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हैं जो अपने बच्चे के लिए गलत हो, है ना। और कोई भी फैमिली हो, किसी के भी पेरेंट्स हो, अपने बच्चे के लिए तो कभी कुछ जानबूझ के गलत कर ही नहीं सकते हैं। अब जो होता है, जो भाग में लिखा वो तो हो के ही रहता है ना, लेकिन ये तो हर पेरेंट्स की बात पे कर रही हूँ कि कोई भी पेरेंट्स रहे अपने बच्चे के लिए तो मतलब कि बेहतर से बेहतर भविष्य और हर चीज़ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन ये भी है कि बहुतों के फैमिली में भी ऐसा है कि उनको जो सही लगता है वो कर देते हैं, एक बार बच्चे से भी नहीं पूछते हैं। मैंने कितनों के फैमिली के साथ मतलब मेरे फ्रेंड्स के भी मतलब एक दो फ्रेंड्स के फैमिली देखा मैंने कि उनसे एक बार भी पूछा नहीं गया। और इस चीज़ की तो सबको थोड़ा सा दुख होता है कि काश एक बार पूछना तो चाहिए, मुझे जिसके साथ लाइफ जीनी है कम से कम एक बार पूछना तो चाहिए। तो ये तो सही बात है, ये तो मैं हर पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि कम से कम एक बार अपने बच्चे से भी ज़रूर पूछ लीजिए कि बेटा तुमको सही लगता है ना, क्योंकि ये अपनी अपनी लाइफ जीने की सबको हक है। और ऐसे तो मतलब बच्चे भी आजकल समझते हैं कि हमारे माता पिता जो करते हैं हमारे भविष्य के लिए, हमारे अच्छी लाइफ के लिए जो करते हैं अच्छे करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार पूछना चाहिए। अरेंज मैरिज ही है तो इसलिए मतलब बहुतों को लगता है, लेकिन नहीं, हमारी अरेंज मैरिज ही है। और यहाँ पे ना
और ऐसा भी नहीं था कि मतलब हम लोगों ने एक ही बार या दो ही बार मतलब कि रिश्ते को देखा, नहीं मतलब हमारी शादी भी मतलब 2-3 साल, मतलब 2-3 साल से बात चल रही थी, लेकिन कभी कुछ पसंद आता था, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ पसंद तो कभी कुछ कमी रह जाती थी। ऐसे तो कहते हैं ना कि कमी तो मतलब कुछ ना कुछ सब में होती है, लेकिन फिर भी जच नहीं रहा था ना। और फैमिली को जब तक मतलब अपने बच्चे के लिए चीज़ें सही ना लगे तो फिर वो मतलब कैसे कर सकते हैं ना। तो लेकिन क्या था, बस जोड़ियाँ कहते कि ऊपर से बन के आती है, आपको जिससे होना रहता है वो मतलब कि घूम फिर के हो ही जाता है। तो जहाँ पे किसी को मतलब कोई उम्मीद नहीं थी और देखो वहीं पे हो गई। और हुई तो मतलब कि बात तो बहुत जगह चली लेकिन कहीं बन नहीं पाई कभी, मतलब कि ज़्यादातर तो इधर से ही पसंद नहीं आती थी। और एक तो ऐसा था कि अगर इधर से पसंद आई तो उधर से नहीं आई, तो बहुत चीज़ें आपस में ऐसे टकराती रही। और जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी लास्ट में वहीं जाके हुई। तो बस, और आगे की मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूँगी और मैं आगे की नेक्स्ट ब्लॉग डालूँगी फिर कभी, कि मेरी शादी कब हुई, मेरी शादी के कितने साल हुए, बाबू कब हुआ, तो ये सब ना मैं अपने मतलब फिर कभी डालूंगी। लेकिन पहले मैं देख लूँ कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं मेरी स्टोरी सुनने के लिए, तो इसलिए इसमें कितने अच्छे व्यू आते हैं आप लोग पे डिपेंड।